एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। अगर आपकी परसेंटेज सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में कम भी रह गई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप अपनी परसेंटेज को 10-15% इंक्रीज कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल है। आप किसी से भी पूछोगे, एमएससी के थर्ड सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जहाँ से भी स्टडी कर रहे हो वहाँ से आप बेसिक को क्लियर करके एंड अच्छे से करो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सिलेबस को कि क्या सिलेबस है एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। 5 सब्जेक्ट आपके नॉर्मली हैं, फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये हैं आपके सब्जेक्ट नेम। अब जो डिटेल में इनका सिलेबस है वो मैं आपको आगे प्रोवाइड कर देती हूँ। मार्केट बंद है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, सिलेबस बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन भी कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो को स्लो से स्लो मोशन में आपको प्रोवाइड कर पाऊं, जिससे कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है एंड 95% सेम ही होना है। सिर्फ आपको इतना करना है, आप नोट डाउन करके अगर अपने पास रख सकते हो, वीडियो काफी स्लो मोशन में है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप नहीं करना चाहते हो तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव रख सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए जब क्लासेस मैं लूंगी कल से तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे फर्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि आपका कंपलसरी होता है सभी ब्रांच के लिए, लाइक चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक से है, ऑर्गेनिक से है या फिजिकल से है, तो यहां पे आप वो चेकआउट कर सकती हो। साथ ही साथ इन सभी की जो बुक्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप बाय करना चाहते हो। बट अगर आप नहीं भी बाय करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे जिस टॉपिक पे मैं क्लासेस लूंगी उस टॉपिक के नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि कनेक्टेड रहना है, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो डेली वीडियोस को। सो ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एमएससी स्टूडेंट बिकॉज इट्स इंक्लूडेड अ प्रैक्टिकल पार्ट इन अ थ्योरेटिकल पार्ट। लाइक आपकी जो क्रोमेटोग्राफी है वो आपको थ्योरेटिकल में भी मिलती है, प्लस इसके प्रैक्टिकल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो आप देख सकते हो वो आपके लिए इक्वली इन्फॉर्मेटिव है। सेकंड वन इज क्रोमेटोग्राफी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो सभी मैंने शेयर कर रखी हैं, आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, या वन बाय वन हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इस बार एंड सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट इज फोटो केमिस्ट्री, जो सभी ब्रांचेस के लिए कंपल्सरी है। लाइक जो आगे आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो होगा बायो ऑर्गेनिक। मेरी स्पेशलाइजेशन बायो ऑर्गेनिक से थी तो इसलिए बायो ऑर्गेनिक के ही नोट्स मेरे पास हैं। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन बायो इनऑर्गेनिक से है या फिजिकल से है तो उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यह आपका फोटो केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। तो ये टोटली आप वीडियो देख के सिलेबस को चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर एंड कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब हम क्लासेस लेंगे तो वो हम डिटेल क्लासेस लेंगे, हम टाइम पास नहीं करेंगे एंड अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, हम उस टाइम को यूज करेंगे तो वहां पे हमारा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो सभी डिस्कशन हो जाएगा। थर्ड वन इज कल टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ आप सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग। जो मैंने लेटेस्ट पोल की थी एंड जो वीडियो शेयर की थी वहां पे सभी स्टूडेंट्स की इक्वली मेरे को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है, टच वुड। तो आप सबके अकॉर्डिंग वो मैं शेयर करने वाली हूँ, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर सभी की क्लासेस होंगी। डे वन से मैंने टाइम टेबल शेयर कर दिया है, आपको सिर्फ कनेक्टेड रहना है। लाइक मंडे से संडे तक का टाइम टेबल है आप सभी के लिए, जो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा 4 PM, जो कि टाइम टेबल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि लेटेस्ट वीडियोस का टाइम जो है वो 4-5 PM के मिड में हो सकता है, तो आपको उसी टाइम चेकआउट करनी है। कल के बाद हम लेटेस्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मेन थिंग जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी, अगर आप चाहते हो कि आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए थर्ड सेमेस्टर में तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे अगर अच्छे से टाइम यूज़ करते हो तो आपकी परसेंटेज फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 10% इंक्रीज हो सकती है, वो भी बहुत ईजी वे में। सिर्फ आपको इतना ही करना है, जैसे मैं क्लासेस शेयर कर रही हूँ या आप अलग से भी कहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही क्लासेस लो, आपको जहाँ समझ आता है ईजी वे में वहाँ से आप क्लासेस अगर रेगुलर बेस पे लेते हो, डेली आप एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी क्लियर करते हो, तो आपकी जो एमएससी है उसमें आप थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। आप बहुत इजीली 75-80% गेन कर सकते हो, बहुत इजीली। वो एक मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, ब्रिलियंट के लिए नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो आप सोच सकते हो आपके लिए थर्ड सेमेस्टर जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसका अच्छे से यूज़ करते हो तो।